मैं आपके साथ जुबैर चौधरी। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 20 साल के साहिल ने रविवार को साक्षी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे। इसके बाद उसने कई बार पत्थर से भी साक्षी को कुचला था। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे साहिल ने हैवान बनकर साक्षी की जान ली थी। इस हत्याकांड के बाद से लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस ने आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब आक्रोशित लोग आरोपी की फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली के शाहबाद डेयरी के मैन बस स्टैंड से शुरू होकर पूरे इलाके में कैंडल मार्च निकाला गया। दिल्ली के शाहबाद डेयरी के साक्षी हत्याकांड में अब पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़क पर आ गए हैं। आक्रोशित लोग अब सड़क पर उतरकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आरोप की सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को हुई तमाम राजनीतिक प्रकार के बाद बुधवार को लोगों ने विरोध स्वरूप कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च शाहबाद डेयरी के मेन बस से शुरू किया, जिसके बाद ये मार्च विभिन्न गलियों से होते हुए गुजरा। ये मशाल मार्च इलाके के ही स्थानीय लोगों और कई सामाजिक संगठनों ने निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। इस दौरान मार्च में शामिल लोग आकर्षित माहौल में दिखाई दिए। हाथ में मोमबत्ती लेकर पूरे इलाके में कैंडल मार्च निकालते हुए मृतक साक्षी की आत्मा को शांति की मांग की। साथ ही साथ आरोपी साहिल के खिलाफ जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरी कातिल जिंदा है, साक्षी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। इस दौरान लोगों ने कहा कि जब तक आरोपी को फांसी की सजा नहीं होगी, तब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा और ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। कितना आक्रोश है सर, बस सब स्टैंड पूछिए मत, अगर वो सामने आ जाए ना तो हम उसे जान से मारते, कोई बात नहीं है। मैं अगर खुद फांसी हो जाए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो बेटी जिसके चाकू मारे है ना, वो दर्द हम एहसास कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको 41 नाखून में लग जाता है तो कितना दर्द होता है, और उसको तो 41 चाकू मारे, उसको शर्म नहीं आई है। जब पहली बात तो ये है कि वो टारगेट बनाई गई है बच्ची है, उसको 15 दिन पहले से रोहिणी से ही चाकू खरीदा गया उसको मारने के लिए, उसको एक ली प्लान से ही काम किया गया है। क्यों हमारी लड़कियां टारगेट बनाई जा रही है भाई, क्यों रुद्राक्ष पहन करके क्यों अपने मजहब दिखाते हो कि हम लोग मोमडन है, बहुत सच्चे मोमडन है, किस चीज के हो भाई तुम मोमडन, जब तुम हमारा रुद्राक्ष पहनते हो और कलावा पहन करके लड़कियों को हिंदू नाम बता करके फंसाने की कोशिश करते हो, और अगर वो नहीं फंसती तो उन्हें जान से मार देते। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जनता है जो वो तमाशा देख रही है, वो क्यों देख रही है। आप कहाँ से कहाँ तक आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और क्या मांग करते हैं? सर हम यहाँ से मेन रोड से निकालेंगे, मुर्गा मार्केट निकाल रहे हैं, ठीक है, और हम मांग यही करेंगे कि जो दर्द उस लड़की ने एहसास किया है ना, वही दर्द उस बंदे को दिया। बेटी के लिए ये कैंडल मार्च कर रहे हैं, जिसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि साक्षी की जो हत्या की गई है वो एक प्लान के मुताबिक की गई है, उसको फांसा गया है। प्यार एक तरफ का नहीं होता है, प्यार के चक्कर में उसको फांसा गया है साक्षी को, और ये प्लान 15 दिन पहले ही किया गया था। साहिल जैसा हत्यारा, उसने इतनी बेरहमी से उसका कत्ल किया है, और वहाँ लोग देख के तमाशा देख रहे हैं, वो मर्डर कर रहा है, चक्कू से वार किए जा रहा है, फिर भी वहाँ लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। क्यों आज हम गए हैं वहाँ पे साक्षी के घर से भी, वहाँ से एक ही वो निकला कि वहाँ का एक डर का खौफ था। वो डर का क्या खौफ क्या था? आधे कैमरे गए वहाँ पे, MLA का ऑफिस भी सामने है, वो कैमरे क्यों नहीं ओपन हो रहा? उधर आज साक्षी के वहाँ पे भी कैमरा है, वो कैमरा क्यों नहीं ओपन किया जा रहा? जहाँ पे एक बेटी साक्षी 16 साल की बच्ची जो 10th के पेपर में पास हुई थी, 2 दिन पहले अपनी माँ से कहती थी कि मम्मी आप टेंशन ना दो, मैं आपकी टेंशनें सारी दूर करूंगी, बड़ी होके वकील बनूंगी, उस बेटी को बुला के वहाँ पे मर्डर किया जाता है। तो ये तो प्लानिंग से होया है, और प्यार एक तरफ का नहीं होता, ये उसको फांसा गया है, जबरदस्ती का वो थोपा गया उसके पास। क्या सजा की मांग करते, क्या होना चाहिए? हम तो ये कहते हैं उसको फांसी नहीं, जहाँ पे साक्षी का कत्ल होया है, जहाँ चक्कू घोपे गया है, वहाँ पे उसको साहिल को जनता के हवाले करें, और सारी बेटियाँ आके साहिल को उतने ही चक्कू घोपे जितने उसने साक्षी से घोपे थे, तभी उसको दर्द का एहसास होएगा कि चक्कू का एक बार कितना दर्दनायक होता है। उसको जरा सी शर्म नहीं आई, और यहाँ की जनता चुप है भाई, क्यों
बेटी के साथ इतनी बुरी घटना हुई है, आज उस साक्षी के संग हुई है, कल को दूसरी साक्षी के संग भी हो सकती है। तो प्लीज मेरे मीडिया के माध्यम से यही है कि देश की बेटियों को, देश की महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा और साक्षी को न्याय दिलाना पड़ेगा। और साहिल जो कातिल है उसका उसका मेरा यही डिमांड है, उसको फांसी नहीं, उसको मेन चौराहे पे गाड़ के उसको भी चक्कू से वार उतने ही करे जितने उसने साक्षी पे करे। हम लोग ये मांग करते हैं कि कब तक हमारी हिंदू बहनों के साथ ये सब होता रहेगा, कब तक? आज आज साक्षी के साथ हुआ है, पहले भी आगे होता रहा है, हमारी बहन को न्याय कब तक मिलेगा? इन जिहादियों को कब तक सरकार छूट देगी? इन जिहादियों को फांसी क्यों नहीं दी जाती? मेरा कहना ये है और मैं ये चाहता हूँ कि अभी भी हम नहीं जागे तो आगे भी नहीं जाग पाएंगे। मेरा साफ कहना है कि अगर हमारी माँ बहनों के ऊपर कोई उंगली उठाता है जिहादी, तो उसका हाथ फाड़ दो, कोई आँख उठाता है तो आँख फोड़ दो। सजा की क्या मांग करते हैं, क्या सजा होनी चाहिए? फांसी की सजा होनी चाहिए बीच रोड पे लाकर। और मैं तो यही कहूँगा कि उसके माँ बाप को भी सजा होनी चाहिए। ठीक।